नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात, क्या लालू यादव ही होंगे फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या तेजस्वी के सिर पर होगी ताजपोशी? कौन होगा आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज खबर विशेष में इसकी चर्चा करेंगे हम। बात आज आरजेडी के स्थापना की भी करेंगे, कैसे राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, कैसे दिल्ली में 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ और कैसे लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की स्थापना की थी। बिहार में आरजेडी ने किस तरीके से कार्य किए हैं और आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आज खबर विशेष में इस पर चर्चा करेंगे हम। दोस्तों आपको मालूम है राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल बिहार की सत्ता में है और आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री लालू यादव ने बनाया है। तेजस्वी जो 2020 के चुनाव में महागठबंधन के चेहरे थे, बिहार में जगह जगह जो चुनावी जनसभा को संबोधित करते थे, तब वो कह रहे थे कि अगर आपका बेटा आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार बदल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बहुमत के आंकड़ों से थोड़ी दूर तेजस्वी यादव रह गए, लेकिन तेजस्वी कह रहे थे खेला हो गया, खेला हो गया और बिहार में खेला हो गया। दोस्तों नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा फैसला लिया। और दोस्तों सीएम नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को बीजेपी को बाय बाय बोल दिया, फिर से महागठबंधन में सीएम नीतीश चले गए और मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ शपथ ली। तेजस्वी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन दोस्तों आरजेडी आगे किसके इशारों पर चलेगा, आरजेडी का मुखिया कौन होगा, क्योंकि दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में लालू यादव होंगे या तेजस्वी यादव या कोई और होगा। देखिए 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में, 9 अक्टूबर को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, 10 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है और चुनाव होगा कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन नाम है दो ही, कई नाम हो सकते हैं लेकिन फिलहाल नाम दो ही हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और आपको मालूम है 29 साल की उम्र में लालू लोकसभा पहुंच गए थे। बिहार के गोपालगंज के धूसर मिट्टी में जन्मे लालू ने ना सिर्फ बिहार में पहचान बनाई बल्कि देश के जनता के बीच ऐसे समाजवादी नेता के रूप में लालू ने अपनी अमिट पहचान बनाई जो शायद विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने नहीं बनाया। आप समझ गए होंगे, नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं। और लालू जानते हैं जनता के दिलों पर कैसे राज करना है, कैसे जनता से बात करना है। और आप तो ये भी जानते हैं कि लालू राबड़ी के शासनकाल को बिहार में जंगल राज जो विरोधी कहते हैं, तब लालू का दरवाजा गरीबों के लिए खुला रहता था। बिहार में चाहे जो जो घटनाएं घटी है, लेकिन उस घटनाओं के बीच 1997 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी का नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। दिल्ली में तब लालू यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा के सांसद और 8 राज्यसभा के सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। स्थापना के साथ ही लालू यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया
और तब से आरजेडी के मुखिया लालू यादव बने हैं। भले ही चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, वो जेल गए, लेकिन फिर भी आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला। आरजेडी के एक एक नेताओं ने, एक एक कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालू फंसे नहीं, लालू फंसाए गए हैं, लालू दोषी है नहीं बल्कि लालू दोषी सिद्ध कराए गए हैं। और इन सब के बीच ये कहा गया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिहार में आरजेडी के रफ्तार को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कसा, लेकिन लालू के बाद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में पार्टी की इस तरीके से तस्वीर बदल दी कि लगातार जब से तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में आरजेडी लड़ रही है, विधायकों की हैसियत से नंबर वन बनी है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव और उनका समीकरण पिछड़ जाता है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बेहतर करते हैं, लेकिन 2014 में जब अपने अपने बल पर चुनाव लड़ने की बारी आई, तब भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि बिहार में बेस्ट प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, लेकिन ऐसे में क्या अब तेजस्वी इतने भरोसेमंद हो गए हैं लालू यादव के कि वो अपने पार्टी की कमान दे देंगे? चारा घोटाले के मामले में आरोपी बने और ऐसा हो सकता था कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो सीधे तौर पर इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन ऐसा किया उन्होंने नहीं। तेजस्वी यादव को फ्रंट पर खिलाया और लालू पीछे से रणनीति बनाते गए और बिहार में भाजपा को धूल चटाते गए। दोस्तों, तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव हो गए, पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के सिर पर उनका हाथ है, हो भी क्यों ना, उनके बेटे जो हैं। लेकिन आखिरकार क्यों? आप भी जानते हैं तेजस्वी के नेतृत्व में क्या कार्य बिहार में हो रहा है, और लालू यादव जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा तेजस्वी कर रहे हैं। ये बातें खुद आरजेडी के मुखिया लालू यादव कई बार कह चुके हैं, और ऐसे में इस बात से साफ साफ इनकार नहीं किया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात कर देंगे। इससे साफ इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेजस्वी ने लालू का भरोसा उतना जीत लिया है कि बिहार के बाद अब देश की बारी है। यूं तो आरजेडी बिहार की पार्टी है, लेकिन देश भर में लालू यादव के नाम का डंका बजा है और अब तेजस्वी यादव का बज रहा है। लेकिन ऐसे में आपको यह बताना जरूरी है कि जो 10 अक्टूबर को दिल्ली में आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, इसमें लालू यादव एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और एक खबर कंफर्म है, तेजस्वी यादव जब दिल्ली के दौरे पर थे, हाल में जब दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप होंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई और। तब तेजस्वी ने दिल्ली में कहा था, हमारे पिता आरजेडी के मुखिया लालू यादव अगर पुनः अध्यक्ष रहेंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगा कि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका मार्गदर्शन ना सिर्फ एक पिता के रूप में बल्कि एक नेता के रूप में भी मिलता है। बहरहाल यह स्पष्ट है, लालू एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। दिल्ली में खेला होगा, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी और पूरा फरमान जारी करेंगे आरजेडी के मुखिया बनकर एक बार फिर से लालू यादव। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।